आज ये पापा का बेड मैंने सेट कर दिया है, नई बेडशीट बिछा दी गई है। अब मैं करती हूँ अपने रूम की। हाय गाइस, मैं हूँ सनालिशा सुहेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वो दिन जब मेरे पापा आने वाले हैं, तो अभी हम बस थोड़ी लास्ट मिनट वाली जो सफाई है वो कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट उनको पिक करने। उससे पहले मैं इसका डब्बा खाली कर लूँ, क्योंकि ये कल मैं मामा से लेकर आई थी। मेरा जो है चौड़ा वाला, तो मुझसे बाल सही स्ट्रेट नहीं, वो मतलब वो नहीं होते, कर्ड नहीं होते। तो ये कितना क्यूट है, पर्पल कलर। इसको मैं ना निकाल के मैं रख दूँगी इसमें, और अपनी जहाँ पे मेरी बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं वहाँ रख देती हूँ, ताकि जगह कम घेरे और गंद ना लगे। क्यूट है ना पर्पल। हेलो जी गाइस, मैं तैयार होकर फिर आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि अभी हम निकलने वाले हैं उनको लेने। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, ये मेरी एक्साइटमेंट जो है, शादीशुदा लड़कियाँ जो दूर रहती हैं अपने माँ बाप से, ये वो ही समझ सकते हैं। खैर, जो करीब भी रहती हैं उनके लिए भी ये बड़ी खुशी की बात होती है, बट मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। समझ नहीं आ रही, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि बस मेरा ध्यान था पापा की फ्लाइट की तरफ, और बस अभी उठ के काम शाम किया। अब हम जा रहे हैं उनको पिक करने, उससे पहले माँ बाबा के घर कुछ ड्रॉप करना है, क्योंकि वो भी वहाँ से फिर हमारे साथ आएंगे उनको पिक करने, तो मज़ा आएगा। पापा बहुत एक्साइटेड हैं, पता नहीं अब उनकी फ्लाइट कैसी रही होगी। एज़ यूजुअल मैं जा रही हूँ गाड़ी की तरफ, और फिर जाते हैं जल्दी जल्दी माँ बाबा की तरफ चीज़ें ड्रॉप करके और पापा को पिक करने। आई होप सो कि उनकी फ़्लाइट अच्छी गई हो। गाइस, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जैसे ससुराल वालों के आने पे बहुएं सफाई करती हैं ना, ये आज दामाद ने कुछ कुछ के, थैंक यू वेरी मच, आपका पापा के लिए सफाइयाँ की हैं सिर्फ, क्योंकि पापा को उसने बताना भी तो है ना कि देखो आपका कितना काम ही दामाद है ना। बोलती क्यों नहीं है। गाइज, हम आ गए हैं टर्मिनल 5। पापा की फ़्लाइट यहाँ पे लैंड हो रही है, जब तक वो आते हैं तब तक 1 पाउंड कॉफ़ी। बाबा की कॉल आ रही है, बाबा हमारे साथ आ गए हैं। और वो पापा, ओए नहीं, ऐसे लगता है अभी हम खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ से निकलेंगे कि वहाँ से निकलेंगे, कोई पता नहीं चल रहा, पर हम वेट कर रहे हैं। इनको मैं बताऊंगी बैग हमारे पापा गाइस आते ही बारिश साथ ले आए हैं, थके हैं पर इतने काले बाद है। कहता मुझे याद से व्लॉग बनाई। हेलो, ये पापा के लिए पराठे के साथ में शामी कबाब बना रही हूँ जल्दी से, क्योंकि इसके बाद हमें जल्दी जल्दी तैयार होना था। गाइस, आते ही पापा का मैंने सूटकेस खोला है और उसके अंदर से एक गिफ्ट आया मुझे हमारे घर के लिए, क्योंकि पापा पहली दफा आ रहे थे ना, तो नोए लिए हमारे लिए साइन किधर करके भेजे। ये जो बड़ा होगा ना फिर देखेगा, जितनी उसकी समझ थी। आय फॉर माय डियर सिस्टर बिल्लो बांदरी। सना अलीशा को दिल में डाला, एस ए लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नोएल, दीदी, शीजा, निक्की, शेरी एंड आर्या। वाओ, और ये नोएल के सिग्नेचर। क्यूट नोएल, थैंक यू वेरी मच, इसको हम लगाएंगे अपने घर में। ओके,
ये गिफ्ट है सबसे अच्छा। थैंक यू शेरी भाई एंड दीदी, हवा निकल गई है वैसे आदों की, पर थैंक यू। सबसे स्पेशल गिफ्ट है प्रिंस बिस्किट, खाएंगे ये टेबल करते जाऊं। ओके गाइस, आते ही पापा के बैग में से मैंने ये अपना सूट निकलवाया है जो कि है निकी ने बनवा के भेजा जैसा मैंने कहा था। ये शॉर्ट शर्ट है और नीचे गरारा टाइप है। ये मैं पहन के भी चेक करती हूँ कैसा लगता है, और ये इसके साथ खुस्सा। तो ये मेरी होने वाली आज के लुक, जो कि बड़े प्यार से मैंने उनको कहा है कि बना के भेजना, आप देखते हैं कैसा लगता है मुझ पर। गाइज, जब मैंने पहन के देखा सूट तो फिटिंग इतनी बुरी, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल भी वैसा नहीं बना था, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। बनाना तो मैं गेट रेडी विद मी चाहती थी, पर फिर कुछ नहीं बन पाया और सिर्फ ये मैंने एक शॉट लिया आप सब के लिए। तैयार होके हम चले गए माँ बाबा के घर, और ये देखिए कितनी प्यारी मार्की लग रही है, थोड़ी सी डेकोरेशन भी और हो गई है और गेस्ट्स भी आ गए। गाइज, ये रहे शादी के लड्डू और ये गिफ्ट्स वगैरह। उम्र कैद होने वाली है। राग कम फॉरवर्ड माय सन, बकरा जा रहा है लाने के लिए, ईद तो भी आई नहीं। Yeah, you can sit here. Who's this phone? Is that yours? Okay. I'll handle. Who is with me? Say hi. No, just say hi. 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 I love you. Oh, Lippy. For Thanksgiving, we're going to give thanks to the Lord for everything. And we're going to sing, Tu aak khai meri jaan, mubarak khuda hai. Ti aur siyada hi naam, pavitr sada hai. It's good to give thanks to the Lord for everything. तेरे सारे पापानू मिटा, तेनू सारे रोगां तों देंदा शिफा, तेनू सारे रोगां तों देंदा शिफा। Our Gabriel and his Alicia mom were matching today. Yeah, but we can carry, one person can carry. Live vlogging to the children. I love you.
ये देने लगी मैं नहीं दे रही परफॉर्मेंस गाइस। कल का दिन हमारा बहुत बिजी गया और मैंने कुछ उसके बाद रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम वहाँ बिजी हो गए थे, पर अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। ये आ गई हूँ मैं अपने नेल्स करवाने के लिए। कुछ इस तरह के लग रहे हैं मेरे नेल्स क्योंकि मुझे शादी के लिए ग्लिटरी ग्लिटरी चाहिए थे, तो मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने ये करवाया। इसको आपकी बात फजूल में हंसी आती है। क्या करना था आपने? आपके लिए क्या लेकर आऊं? फिडल लेके आऊं? वहां से ले आई थी। क्या लेके आऊं? कॉल है ना आपने? वो स्नैक्स वाले बाबा चले गए, ये सब इंतजार ही करते रहे। पकौड़ी वो एंजॉय कर रहे हैं, ये मजे के हैं। पापा इस साउथ हॉल में क्या खा रहे हो? पकौड़ा खा रहे हो। इतना घूम घूम के हमने अभी खाने की स्नैक्स की बारी। नाम उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अच्छा तो हम ऐसे ही डाल रहे हैं, ये तो बता रही हूँ आपको। यहाँ पर सब मिलकर शादी के लड्डू छोटे बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं, लड़के बॉक्सेस बनाते जा रहे हैं और बाकी सब लड्डू उसमें डालते जा रहे हैं। पापा की पहले बनाया पापा जी, और अपनी मामा को भेजें कि देखे मामा जो है पापा से कितना काम करा रही है। पापा से काम करा रही है यार, मेरे से बचा करो गड़बड़ तू कभी इतना मीठा खा दिया खांदी नहीं से, हुन तू मीठा बड़ा मांगनी है। तो रे की शुगर वाली मीठा को तो मांग देना है। नो ये वो खाने लॉजिक है।
शादी के लड्डू हो गए हैं पैक सबके लिए एज ए गिफ्ट. अब सब ये लेकर जाएंगे अपने अपने घर. ये हो गया डिनर टाइम और आज शामी कबाब जो मैंने उस दिन बनाए थे सबने खाए और सबको बहुत अच्छे लगे. हमारे प्यारे आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला खुदा है और तू हमेशा हमें अच्छी अच्छी नियमतें अता करता है. खुदा खास कर इस खुराक के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने आज हमारे लिए मुहैया किया है. जिन हाथों ने बनाई, जिस खजाने से बनी है, उसके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि जिन गरीबों यतीमों मुकद्दसों को नहीं मिला उनको भी दे, वो भी खाकर तेरा शुक्र करें. मारी वापस आ चलो 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 शुरू करो. खाना ठंडा हो जाए.